रेसिस्टर कभी भी स्टोर नहीं करता, साथ साथ इंडक्टर और कैपेसिटर कभी भी लॉस नहीं करता। पॉजिटिव हाफ साइकिल में इंडक्टर और कैपेसिटर जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम करता है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी सेकेंड हाफ साइकिल में कंज्यूम करता है। डीटीएफटी जेट ट्रांसफॉर्म ही तो है। यदि जेट ट्रांसफॉर्म का आरओसी यूनिट सर्कल को इंक्लूड किया तो जेड इक्वल टू ई टू द पावर जे ओमेगा पुट कीजिए, वही तो आपका डीटीएफटी होगा। नॉर्मल डायोड सर्किट में और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के फेज कंट्रोल एम्पलीफायर में क्या अंतर है? यदि मैं थायरिस्टर को जब तक मैं एक्सटर्नल ट्रिगरिंग नहीं करूंगा तब तक वो थायरिस्टर आपका टर्न ऑन नहीं होगा और आपका आउटपुट वेवफॉर्म क्या होगा? जीरो होगा। जिस समय हम लोग ट्रिगरिंग करेंगे उसी समय से आपका आउटपुट आना क्या होगा? स्टार्ट होगा। दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द फेज कंट्रोल रेक्टिफायर इन द पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। यदि पर फेज में दो या दो से ज्यादा कंडक्टर अगर होंगे ट्रांसमिशन लाइन में तो आपका जीएमआर क्या होगा? इंक्रीज करेगा। यदि आपका जीएमआर इंक्रीज करेगा तो आपका एल इंडक्टेंस, जो इंडक्टेंस का वैल्यू है, वो क्या होगा? डिक्रीज होगा। और यही तो हम चाहते हैं, इसीलिए तो हम लोग क्या करते हैं? बंडलिंग करते हैं।